अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट असल बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बाद हम बेटा नेक्स्ट यूनिट को उठाएंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिए थे अब बेटा टाइपस में हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप को डिफाइन किया उसमें हमने पहले कम्बाइनेशन को देखा उसके बाद हमने बेटा उसका एक टाइप पढ़ा था दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके बाद इस टाइप का जो लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज कॉल दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडेक्शन रियक्शन ये भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है हम बेटा इसको पहले देखेंगे हाउ वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन को देखोगे हाउ वी कैन कॉल रिडक्शन किस चीज को हम रिडक्शन कहेंगे या रिडक्शन रिएक्शन की किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे एंड दोनों को अगर हम देखेंगे दैट इज वहां पे जहां पे ऑक्सीडेशन भी होगी Uh, भी होगी तो इसीलिए हम बेटा इसका दूसरा नाम रखते हैं दैट मींस so अब हमें इस यूनिट को बेटा खत्म करने जा रहे हैं इसके बाद यहाँ पे इस यूनिट का एक ही टॉपिक रहता है concept, उसके बाद हम बेटा नेक्स्ट यूनिट आपका जो लास्ट वन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वो हम बेटा स्टार्ट करेंगे जहां तक बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ताल्लुक है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इसको बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम बेटा इस रिडक्शन रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से भी हम बेटा इस ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन को डिफाइन करेंगे जहां तक ऑक्सीडेशन का ताल्लुक है यहां पे मैंने लिखा ऑक्सीडेशन इज एज द प्रोसेस डिफाइन गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन अब बेटे यहां पे मैंने कहा ऑक्सीडेशन हम जहां पे यहां पे एक एग्जांपल ले लेंगे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कॉपर है अगर मैं बेटा इस कॉपर को हीट प्रोवाइड करूंगा जब मैं इस कॉपर को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो कॉपर के ऊपर एक लेयर बन जाती है ये कॉपर जो है, विद ऑक्सीजन, अब यहां पे अगर इस रिएक्शन को हम देखेंगे यहां पे मैंने लिखा गेन ऑफ ऑक्सीजन अब इस कॉपर के साथ ये ब्राउन कलर था कॉपर पहले जब हीट प्रोवाइड की ऑक्सीजन रिएक्ट हो गया एक ब्लैक कलर की लेयर इन पे चढ़ गई दैट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक कलर में चला गया अब इसका मतलब है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो सिंपली वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अब यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो दैट मीन्स अगर आपको कोई कहेगा कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया क्यों क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन में हम जब देखते हैं कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो दैट इज व्हाई वी कैन वी कैन कॉल इट एज या वी कैन से दैट कॉपर इज ऑक्सिडाइज्ड बिकॉज़ कॉपर इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड सिमिलरली जब हम देखते हैं रिडक्शन की बात है रिडक्शन में हम क्या देखते हैं बेटा अगर यही कॉपर ऑक्साइड आप ले लोगे हाइड्रोजन गैस आप इसमें पास किया करोगे आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे कॉपर निकलेगा प्लस आपके पास वाटर बन जाएगा पहले हम बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे जहां तक बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जो अभी मैंने आपको बताया जब भी एडि, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा किसी भी एलिमेंट के साथ वी कैन कॉल एज एन ऑक्सीडेशन गो सिंपली इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं बिकॉज देर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसीलिए कहते हैं बिकॉज़ ऑक्सीजन ऐड हो गया जहां तक यहां पे सेकंड रिएक्शन की बात है जो कॉपर ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड को क्या हो गया बेटा कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस किया गो दैट मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन वो कॉपर ऑक्साइड जब इसने ऑक्सीजन को लॉस किया तो दैट मींस इसकी रिडक्शन हो गई तो इसीलिए वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन मींस वेरी गुड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वॉस ऑफ ऑक्सीजन बट यहां पे जब ने ऑक्सीजन को लॉस किया, तो किया तो दट मीन इसकी रिडेक्शन हो गई अब एड किसके साथ हो गया हाइड्रोजन के साथ या वाटर में कन्वर्ट हो गया जब यहां पर देखते हैं अब ऑक्सीजन किसके साथ एड हो गया हाइड्रोजन के साथ अब बेटा यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई क्यों इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन पे आपका oxygen, पे ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने देखा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड बन गया व्हाट इज रिडक्शन सिंपली लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रो ऑक्सीजन को लॉस किया अब बेटा कॉपर में कन्वर्ट हो गया मगर एड क्या हो गया हाइड्रोजन एड हो गया तो दैट इज वाई वी कैन कॉल इट एज कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो गई और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई अब बेटा दो रिएक्शन ये जो सेकंड वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई यहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है यहां पे रिडक्शन भी होती है तो इस रिएक्शन को हम रेडोक्स रिएक्शन भी कहते हैं इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं जहां तक बेटा सेकंड रिएक्शन का ताल्लुक है यहां पे मैं बेटा आपको एक सिंपल वाली रिएक्शन बेटा यहां पे लिख दूंगा ताकि आपको हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जहां तक हम बेटा अगर आप मैग्नीज ऑक्साइड ले लोगे मैग्नीज ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डालोगे अब बेटा यहां पे क्या बनेगा मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा विद दैट आपके साथ साथ वाटर भी निकलेगा इसके साथ साथ आपके पास क्लोरीन गैस भी निकल जाएगा अब यहां पे हम देखते हैं जो कॉपर मैग्नीज ऑक्साइड है मैग्नीज ऑक्साइड को क्या हो जाता है जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये लॉस ऑक्सीजन किया करता है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन वो तो मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया तो जब मैग्नीज़ ने मैग्नीज ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस किया तो इसकी क्या हो गई बेटा रिडक्शन हो गई अब बेटा यहां पे क्या लॉस हो गया हाइड्रोजन लॉस हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हाइड्रोजन लॉस किया तो किस में कन्वर्ट हो गया वाटर में तो यहां पे ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया लॉस ऑफ हाइड्रोजन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन हो गई क्या हो गई बेटा ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब है यहां पे रिडक्शन भी हो गई यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो गई इसीलिए ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शनस कहते हैं Go, terms, आप यहां पे लॉस हाइड्रोजन हो गया एड ऑक्सीजन हो गया दैट इज वाई वी कैन कॉल इट एज एन ऑक्सीजन इसीलिए मैंने यहां पे लिखा गेन ऑफ ऑक्सीजन बट लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन उसके बाद मैंने आपको बताया रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ हाइड्रोजन बट लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो इस कॉल्ड रिडक्शन अब तरीके से यहां डिफिनेशन लिखी थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन किया रिएक्शन के जरिए जब भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा लॉस हाइड्रोजन हो जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन कहते हैं अब रिडक्शन मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन पे हो जाएगी, उसको हम बेटा redox reaction भी कहते हैं. But इसके बाद हमारे पास इसका जो second concept आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आप क्या याद रखोगे किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से आप बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करोगे तो इन सिंपली वी कैन से ऑक्सीडेशन इज डिफाइनड एज अ प्रोसेस विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब भी बेटा कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको हम कहते हैं द सब ऑक्सीडाइज इस इसकी ऑक्सीडेशन हो गई इसके साथ साथ अगर हम बेटा रिडक्शन को देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, रिडक्शन इज डिफाइंडेड एज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस एलिमेंट की क्या हो गई बेटा रिडक्शन हो गई ये बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट है जो आप बेटा हायर क्लासेस में आप बेटा इसको पढ़ोगे बट इसके साथ-साथ यहां पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सबस्टेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन जो किसी चीज को ऑक्सीजन देगा जब भी बेटा कोई भी एलिमेंट जहां पे अगर यहां पे हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड वाटर को ले लोगे हाइड्रोजन गैस पास करोगे वाटर निकलेगा इसके साथ साथ कॉपर वो यहां पे कॉपर ऑक्साइड किसको ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन गैस को वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा दैट मीनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन देगा गो दैट मीनस दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं अब बेटा देन व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन जो बेटा रिमूव ऑक्सीजन करेगा वो हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाला तो, तो इस वी कैन कॉल इट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। वो सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड जो ऑक्सीजन देगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं या विच रिमूव ऑक्सीजन जो किसी से ऑक्सीजन लेगा हाइड्रोजन ने इसको कार्पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लिया तो दैट इज वाई

वो मेरे पर्सनल नंबर पे बेटा मुझे कॉल कर सकता है उसको बेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑलरेडी आपके पास मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे आपका एग्जाम अब आप आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे आपके जो पहले दो यूनिट्स हैं उन्हीं को जो आपने पढ़ा था उन दो यूनिट्स में जो पहला सेकंड यूनिट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट यूनिट में भी को कुछ टॉपिक्स एक दो रह गए बट उसके बगैर वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वो पहले दो यूनिट्स आपके एग्जाम के लिए है Dear students, this was all about for today's topic. Thank you. Have a nice day.